बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मेरा नाम आमिर डार है। लाहौर शहर की संगीन तरीन वारदात भाटी के इलाके में पेश आई, जिसमें 2 साला दुआ को कत्ल कर दिया गया, उसे बेदर्दी से ज़िबह कर दिया गया। मुलज़िम रिश्ते में इसका नाना लगता है, इसने ऐसा क्यों किया और यह वारदात कैसे मुमकिन हुई? हमारे साथ रहिए, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। मासूम बच्चे घरों की रौनक होते हैं, मासूम बच्चों को जरा सी चोट लग जाए तो माँ बाप तड़प उठते हैं। ऐसे में जुल्म और बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान सामने आई है जो सुनकर रूह भी कांप उठे। 2 बरस की नन्नी शहजादी को नाना ने किया है ज़िबह, क्या कसूर था नन्नी दुआ का? गम से निढाल माँ कत्ल की वजह जानने को है बेताब, क्या मुलजिम ने हसद की वजह से खेली है खून की होली? क्या घर के सरबराह ने घर में पाल रखा था आस्तीन का सांप? वालदैन को तड़पा देने वाली दर्दनाक दास्तान, मुजरिम कौन? भाटी गेट में इस वक्त मौजूद हैं और उस घर में खड़े हुए हैं, और ये जो कमरा है ये वो कमरा है जहाँ पे इस नन्ही बच्ची को, 2 साला दुआ को ज़िबह किया गया, जो कि मुलज़िम है रिश्ते में इसका मामूज़ा नाना लगता है। ये कमरा इस वक्त लॉक है, हम कमरे के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तमाम शवाहिद पुलिस ने, फ्रेंजिक की जो टीम आई उन्होंने यहाँ से इकट्ठे किए और उसके बाद ये कमरा बंद कर दिया है। कमरे के बाहर खड़े होकर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस केस के जो मुदई हैं वारिस साहब, जो कि इस बच्ची के नाना लगते हैं, जो हकीकी नाना लगते हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो हमें सारा वकूआ बताएंगे। इस पोर्शन में ये मुलज़िम रहता था और इन्होंने खुदा तरसी करके अपने इस रिलेटिव को ये अपने घर में जगह दी हुई थी। ये पूरा पोर्शन इसके हवाले किया हुआ था कि इसके हालात तंग हैं, ये हालात ठीक नहीं हैं, तो खुदा तरसी करके ये सारा पोर्शन इसके हवाले किया हुआ था और ये अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ रहता था। बीवी और बच्चा कुछ दिन पहले चला जाता है, उस दिन फिर क्या होता है? दुआ क्या नीचे से ऊपर आई, खुद आई, या मुलज़िम खुद बहाने से लेकर आया, या ऊपर से नीचे आई, ये सारा हम वारिस साहब से पूछेंगे। वारिस साहब, इतना दिलखराश वाकया है, ये इतना संगीन वकूआ है कि सुनते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह आपको सब्र दे। इस कमरे के अंदर ये सारा वकूआ होता है जी? इस कमरे में सारा वकूआ। दुआ नीचे थी, नीचे से ऊपर लेकर आया था? दुआ ये उस वाले रूम में थी, इस रूम में, ऊपर वाले रूम में थी। ऊपर कौन रहता है? ऊपर हम खुद रहते हैं, हमारा ऊपर नीचे सारी रहायश है हमारी। ठीक है, नीचे भी आप खुद रहते हैं, ऊपर भी खुद रहते हैं, ठीक है। दरमियान में ये रहता, ये दरमियान को इसको ये पोर्शन हमने दिया हुआ था, इधर रहता था ये। कब से ये रह रहा था? ये 8 साल से रह रहा था। 8 साल से इधर ही रह रहा था। आपने कभी इससे कोई पैसे की डिमांड नहीं? कुछ नहीं, कभी किराया आपने नहीं? कोई कुछ नहीं, कभी पैसा हमारा इससे सब इसके साथ कोई। बीवी बच्चों समेत ही रह रहा था? बीवी बच्चों समेत रह रहा था। ठीक है, चलें, बीवी बच्चे क्यों छोड़ कर गए हम उस पर बाद में आते हैं। उस दिन क्या हुआ, कितने बजे का ये वकूआ है, आप कहाँ मौजूद थे, घर के दूसरे अफराद कहाँ पे थे? सब घर में थे, बाहर कोई भी नहीं था, सब घर में थे। ये ऐसा हुआ कि ये नीचे आया अपने रूम से, ये ऊपर वाले रूम पे आया, पहले आया तो उसको कहता है तू बाहर से कोई चीज़ लेके आया, तो कहता है दुआ ये चीज़ ले लो, चलाओ मेरे साथ नीचे आओ। तो वो कहती नहीं नानू, मैंने हुई है, मैंने नहीं जाना। तो वो उसने उतनी देर तक वो बच्चों ने उसका पैम्पर वगैरह चेंज करवाया उसको, तो वो फिर खेलना शुरू हो गई है, तो फिर नीचे आ गया, नीचे से फिर ऊपर गया, तो कहता है दुआ को उसने उठा लिया, चीज़ हाथ में पकड़ा लिया। तो मैं मेरी मिसेज यही समझी कि वो नानू है, वो नीचे उसको अकेला रह रहा है, तो वो शायद उसके साथ खेलना होगा, उसको ले गया। 2 मिनट नहीं गुजरे, ये नीचे शोर की आवाज़ आई है, जैसे नीचे भागे हैं नीचे हम इधर कि क्या कोई चीज़ गिर गई, क्या हुआ, उतनी देर में वो उसके छुरी मार चुका हुआ था गर्दन पे, गला काट चुका हुआ था और मुलज़िम खुद पास खड़ा हुआ था। मुलज़िम खुद पास खड़ा हुआ था, वो नहीं बेटी उंधे मुंह पड़ी हुई थी। हाँ जी, जैसे उसका गला काटा है तो वो ऐसे सीधी ही गिरी हुई थी, सीधी गिरी हुई थी। उसकी खून बह रहा था, लेकिन उसके ऊपर ना कपड़ा उसने फेंक दिया गर्दन के ऊपर, नजर ना आए। तो वो मेरी मिसेज फटाफट नीचे भागी है, उसने देखा, जब उसने कहा जवेद दुआ गिरी है, तो उसने ये नहीं उस वक्त पता था ना कि इसने इसको छुरी फेर दी हुई, तो उसने कहा जवेद ये दुआ गिरी है, तो उसे उठा नहीं सकता, तो आगे से बोला नहीं, तो खून देख के उसने ना वो घबरा गई एकदम, तो ऐसे ही पकड़ के ना बाहर गली में भाग गई। आपको या आपके मिसेज को तो पता ही नहीं चला हो गया ना, औसान खता हो गए होंगे कि हुआ क्या। लेकिन उस पर शक चला गया कि इसी ने किया, एक छुरी भी वहीं पास पड़ी हुई थी? नहीं, छुरी वगैरह कुछ नहीं देखी थी उस वक्त, कुछ नजर ही नहीं आया, जब दुआ पे की नजर पड़ी है, दुआ को लेके भाग गए हैं।
नानी नहीं जानती थी कि उसकी नवासी को क्या हुआ है। नानी ने मासूम बच्ची की हालत देखकर अस्पताल का रुख किया। नानी को इल्म न था कि उसकी लाडली आखिरी सांसों पर है। आइए जानते हैं पुलिस को जाए वकुआ से क्या इतला मिली। ऐसा एक खौफनाक वाकया जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। रिश्ते में ये मुलजिम उस बच्ची का, 2 साल बच्ची जिसका नाम दुआ है, नाना लगता है, और इसने अपने हाथों से इस बच्ची को ज़िबा किया है। यानी बात करते हुए और सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर वजह क्या थी? कोई भी शख्स किसी बच्चे को, एक इंसान को किस तरह से ज़िबा कर सकता है? उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी। वजह जानने के लिए हम इस वक्त पहुँचे हैं मोहम्मद सरफराज विर्क साहब हैं उनके पास, जो कि SP इन्वेस्टिगेशन सिटी डिवीज़न है। इनसे हम बात करेंगे। इन्होंने तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल कर ली है और जो मुलजिम है वो गिरफ्तार हो चुका हुआ है। मुलजिम ने इनके पास क्या बयान रिकॉर्ड करवाया, इनकी तफ्तीश क्या कहती है, मुदई क्या कहते हैं, सब बातें हम इनसे करेंगे। बहुत शुक्रिया विर्क साहब। सबसे पहले फरमाइएगा, वकुआ है क्या? पुलिस को रिपोर्ट कब होता है, कितने बजे होता है, कितनी देर में पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, पहुँचती है, और उस वक्त मौके पर क्या था? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये 3 जनवरी को तकरीबन 4:45 पुलिस को इतला मिलती है कि अंदरून बाटी गेट के मकान नंबर 914B, वहाँ पे एक छोटी बच्ची जो है उसका गला काट दिया गया है। जैसे इतला मिलती है तो फौरी तौर पे पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, मौके पे जाती है, क्राइम सीन को प्रिजर्व करती है, जब तक बच्ची जो है उसको म्यू हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया जाता है इसी दौरान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो वो जानबर नहीं हो सकती और खालके हकीकी को जा मिलती है, रस्ते में डेथ हो जाती है। यानी कि वहाँ पे जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट जो इनिशियल है वो अपनी करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उस बच्ची की डेथ हो जाती है। ठीक है। जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और बहुत संगीन नोयत का वाकया है कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी किसी के साथ क्या अदावत होगी, ऐसे बच्चे का मर्डर जो है ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्री है। पुलिस भी तस्दीक कर रही है कि कमसिन बच्ची का नाहक कत्ल किया गया है। 2 बरस की नन्ही बच्ची की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? गौर से सुनिए कैसे सफाक कातिल ने अपने घनौने जुर्म का किया एतराफ। उसने को बहाना किया या आपने, आपके मिसेज ने पूछा कि ये हुआ क्या इसे जाने से? नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ ना, वो जैसे लेके भाग गए हैं तो वो बच्चे, 2 मेरी बेटियाँ हैं, मेरा एक बेटा है, 2 बेटियाँ मेरी बेटियाँ, 2 सिर्फ घर में रह गई थी, बाकी वो गली से भाग गए हम हॉस्पिटल। बच्चियों ने पूछा कि मामू ये इतना खून, ये क्या किया तुमने? तो कहता मैंने मारा। मान गया कहता मैंने मारा उसको, मैंने दुआ का गला काटा। ये मुलजिम जहनी तौर पर ठीक है, इसे को मसला तो नहीं, कोई मसला नहीं है, अपने ज़हनी बीमार तो नहीं है, पागल तो नहीं है, बीवी बच्चों के साथ रह रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। होता है ना, अगर कोई ज़हनी तौर पे कोई पागल होता या कोई ऐसा होता तो हम उससे ग्रेस करते, घर पे रखते ना। घर और इस वकुए से पहले कभी इसने कोई ऐसी हरकत नहीं की? नहीं, कभी इश्तियाल में नहीं आया, कभी इस तरह की सफाकियत या बच्चे को मारना डांटना कोई ऐसा मामला नहीं? नहीं, ऐसा मामला कभी कोई इसी बच्ची पे, दुआ पे कभी इसने पहले अटैक नहीं किया किसी तरह से? दुआ पे ये अटैक हुआ था कि मियां बीवी जब यहाँ पे थे, रहते थे ना, तो उस वक्त दुआ जब नीचे आती थी तो उसको हल्की फुल्की वो थप्पा कुछ पेड़ मार देते थे तो वो रोती, उसके बारे में पता चल जाता, वो उसको ऊपर ले लेते थे। वो आती भी नीचे थी, इनके पास आ जाती थी कि बच्ची थी वो, जाहिर सी बात है ऊपर से उसको जब दिल खेलती रहती थी, जब ऊपर से दिल लगता था नीचे इनके पास आ जाती थी कमरे में, तो ये थोड़ा सा तांग तो पड़ जाते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस बेस पे पहुंच इसी बच्ची को मारता था, किसी और बच्चे के साथ तो कुछ नहीं, बच्चा घर में है ही कोई नहीं, बच्चा था ही नहीं घर में। जब उसने मौके पे ही मान लिया, उसने इकरार कर लिया हाँ मैंने किया, फिर उसके बाद क्या किया जो घर पे मौजूद थे? वो हमें ऐसा, वो तो उसने मेरी बेटियों को बताया ना कि दुआ को मैंने मारा है, तो जब हम हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ पे पता चला, डॉक्टरों ने कहा जी ये तो मार के इसको ले आए हो या किसने किया है, इस पर तुम देख नहीं रहे गला कटा हुआ है सारा? और मैं तो कुछ उस वक्त नजर नहीं आया कि इसका गला देखे, हम तो खून लपेटा हुआ भाग के जैसे भी हॉस्पिटल भागे, तो डॉक्टरों ने कहा जी आप ये तो ख़त्म करके आप लाए हैं, जब अस्पताल पहुंची तो उससे पहले ही वो अल्लाह को प्यारी। हाँ जी, फिर वो मैंने फ़ोन किया इधर मोहल्ले में तो वो उन्होंने 15 पे कॉल करके पुलिस बुला के, तो वो उसको, और वो सफाक इंसान, शायद ये सफाक
जो टर्म है, लफ्ज़ है, ये भी छोटा है इस इंसान के सामने, वो इधर ही रहा, यहाँ से भागा नहीं, यानी उसने सोच समझ कर, टारगेट करके, प्लान करके ये काम किया, कत्ल किया, ज़िबह किया और उसके बाद भागा भी नहीं, यहीं पे रहा। नहीं, वो ये इधर ही रहा, नहीं भागा। छुरी भी ये बाज़ार से लाया है, वो मुझे कल थाने से पता चला है, मैं कल थाने गया हुआ था, वहाँ से मुझे पता चला कि ये बाज़ार से ख़रीद के लाया है। उसी दिन लेकर आया था ये? नहीं, अभी ये नहीं पता चला, ये लेकर छुरी नहीं थी, घर की नहीं थी, बाहर से ख़रीद के लाया। जैसे बड़ा छुरा था, छुरी नहीं थी, छुरा था, बड़ी छुरा था जो पुलिस ने बरामद किए, जो लेके गए ना, वो था। लेकिन उसने बताया कि मैं बाहर से ये खरीद के लाया। इससे ज्यादा सफाकियत और क्या हो सकती है कि कोई जहां दीदा शख्स 2 बरस की मासूम बच्ची को पल भर में ज़िबा कर डाले। घर में मासूम बच्ची के खिलौने और यादें तो मौजूद हैं, मगर उनसे खेलने वाला अब कोई नहीं। हम उस बदकिस्मत माँ के साथ, नानी के साथ और नाना के साथ मौजूद हैं, जिनके ये फूल जैसी बच्ची को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया हो, ज़िबा कर दिया गया हो। माँ की जो इस वक्त हालत है वो हम अल्फाज में बयान तो नहीं कर सकते। जो माएँ देख रही हैं वो समझ सकती हैं कि एक माँ पे क्या बीत सकती है और इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल होगी। वाहिद इकलौती ये बेटी थी, 3 साल हो गए शादी को, अल्लाह ने औलाद दी, इकलौती ये बेटी थी। ये पहले ही बड़े दुख झेल रही थी क्योंकि इसके जो मियाँ हैं वो जुल्म सितम करते थे, तशद्दुद करते थे, वहाँ से तंग आई, अपने बाप के घर पे पनाह ली। यहाँ चंद घड़ियाँ सुकून की गुजर रही थी कि इस सफाक इंसान ने इसकी बेटी को, इसकी कुल कायनात को इससे दूर कर दिए, इससे छीन लिए। मुख्तसर से हम बात करेंगे क्योंकि ये उस वक्त मौके पे मौजूद थी, ये गवाह भी हैं। जब ये वकूआ होता है उसके बाद ये आती हैं, मुलज़िम वहाँ मौजूद होता है, तो वो इन्होंने क्या देखा और ये क्या चाहती हैं? एक माँ जिसकी एक बेटी को, नन्ही सी बेटी को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर गया हो, कर दिया गया हो, वो माँ इस माशरे से, इस इंसाफ के निज़ाम से क्या चाहती है, ये मैं इनसे मुख्तसर बात करूँगा। सब्र अल्लाह दे आपको, और तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। और आप सबके लिए हम सब दुआ करेंगे कि आपको सुकून किसी ज़िंदगी की किसी लम्हे आ जाए, आपको ये करार आ जाए। बड़ा मुश्किल है ये सारा, हमारे लिए शायद कहना आसान है। आप नीचे वाले पोर्शन में थी या ऊपर थी? ऊपर अपने पोर्शन में, सेकंड पोर्शन में। आप उधर थी, आप उधर ही रहती हैं जी। ये खुद लेकर गया दुआ को या दुआ खुद नीचे आई उतर के? ये खुद लेके गए, ये बकायदा उससे ऊपर लेने आया, चीज के बहाने नीचे ले गया उसका, चीज के बहाने उसको जाके, उसको जाके तहज्जुद का निशाना बना दिया। आपसे छीन कर लेकर गया, यानी आपको कह कर लेकर गया? नहीं, छीन कर नहीं लेके गया, ऐसे ले गया और वो आराम से चले गई है। यानी आपके इल्म में था ये लेकर जा रहे? नहीं, हाँ जी, पहले भी लेकर जाता था? हाँ जी, लेके जाते थे पहले भी। पहले भी लेकर जाता था, ठीक है। तो कितनी देर बाद आपको पता चला, कोई उसकी चीख की आवाज़ आई, कैसे आप सबको मालूम हुआ? 2 मिनट में उस दरिंदे ने हैवानियत का शिकार बना दिया। 2 मिनट में मम्मा भी नीचे आ रही थी, वो नीचे था, ले गया था मम्मा के साथ, नीचे आ रही थी। 2 मिनट में उसने ज़मीन पर इतनी ज़ोर से फटका, आवाज़ आई ज़मीन पे कि कुछ गिरा है। हमने कहा अगर मेरी दुआ होती तो वो रोती, लेकिन वो रोई नहीं, सांस भी नहीं आया उसका। उस पटक दिया उसको, ज़िबा कर दिया, फटाफट नीचे आए। 2 मिनट मम्मा भागी भागी हम नीचे आए तो मेरी बेटी उनके पाँव में गिरी पड़ी, खून से लथ पथ हुई पड़ी। उस वक्त सांसें थी? खत्म थी, खत्म हो चुकी थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी कि शायद देख रही हूँ, खत्म हो चुकी थी। उस मेरी मम्मा आई नीचे, फटाफट उसको लेके अस्पताल भागी, अस्पताल भागी। और मैंने और मेरी बहन ने पूछा, बाबू क्या हुआ? कहते इसको मैंने मार दिया, उसने 3 बार का मार दिया। मैंने फटाफट पीछे भागी, अपनी अपनी बेटी के पास पीछे अस्पताल भागी, फिर मुझे नहीं पता।
इस बेबस माँ पर क्या गुजरी होगी जब इस जालिम शख्स ने अपने जुर्म का एतराफ किया होगा। माँ क्या करे, उसकी नन्ही बेटी को जिबाह करने वाले सफाक इंसान को उस पर जरा भी तरस ना आया। पुलिस क्या कहती है? फरिश्ते हैं जी, फरिश्ता, वो बच्चा कहलाए फरिश्ता जाता है, फरिश्ते की क्या किसी के साथ कोई दावत हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक। उसके बाद फिर पुलिस अपनी तफ्तीश का दायरा कार जो है वो बढ़ाती है। जो बच्ची का हकीकी नाना है मोहम्मद वारिस, वो पुलिस को बताता है कि ये जो शख्स है जावेद इशफाक, वो भी उनके साथ बलाई मंजिल पर रिहाइश पजीर है, जो कि रिश्ते में बच्ची के हकीकी नाना का साला लगता है। तो वो भी रिश्ते में इनका साला लगा, नाना लगा बच्ची का नाना लगा। वो ये बताता है कि ये बच्ची जो है 2 साला बच्ची है, मासूम बच्ची, ये सीढ़ियाँ चढ़ के बलाई मंजिल पे चली गई। बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे ये मौजूद था जावेद इशफाक, और वो कहते हैं कि थोड़ी देर में हमें चीखों की, करबनाक चीखों की आवाज़ें जब हमने सुनी तो हम भाग के ऊपर गए। ये जो वारिस है और इसका बेटा मोहसिन, ये ऊपर जब भाग के गए तो उन्होंने देखा कि जो इशफाक है, जावेद इशफाक, उसने बच्ची को गिराया हुआ है और बच्ची के गले पे तेज़दार आला जो है, जो बाद में हमारी कस्टडी में भी आ गया, छुरी, वो उसके गले पे रखी और जैसे ही इनको देखा तो उसने चला दी। बहरहाल इन्होंने फौरी तौर पे, उस टाइम आपको पता है बच्ची की जान बचाना सबसे ज़्यादा अहम था, उसको फौरी तौर पे वहाँ से रेस्क्यू किया, पुलिस को इतला की और बच्ची को हॉस्पिटल शिफ्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। तो बच्ची के नाना की निशानदेही पे हमने फिर जावेद इशफाक को अपनी हिरासत में ले लिया। अच्छा, वो वहीं पे था, भागा नहीं वहाँ से? हाँ जी, वो यानी कि आप ये समझे कि एक सफाक किस्म का शख्स जिसके अंदर कोई जज्बात नाम की कोई चीज़ नहीं, ठीक है, यानी कि जिसके चेहरे पे कोई तासरात नहीं, इस तरह का शख्स था, तो उसको हिरासत में लिया गया, उसी आसपास ही वो मौजूद था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जुर्म का एतराफ कर लिया है, आलाए कत्ल बरामद किया जा चुका है। किस चीज की उसे कोई अदावत थी, दुश्मनी थी, वो नन्ही मासूम 2 साला बच्ची से क्यों कत्ल किया उसने? पता नहीं भाई क्यों किया, सानू देखो पूछ के दसो क्यों उन्हें किया। 8-10 सीढ़ियां का फासला है, तो मैं इन्हां नाल गल्लां कर रही हूँ, अभी मेरे को गल्लां पूछ रही मम्मा जो कल रब ने रिश्ता देखा वो कैसा है, वो ऐसे चक्करां च मैं गल्लां च मैं क्या ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਰਤਨ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕੋਲ ਖੜਾ ਵੇ ਅਸਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਪੱਤ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵੇਦ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੁਛ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਬੁਰਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਾਹਰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਲਿਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਚਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਬਲੋ ਸੁੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। 10-12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ बीवी 2 दिन पहले मौके तो पहले फरार हो गई है, ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲਿਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਤਾਵਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਤ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਧੇਰੀ ਕਿਉਂ ਢਾਈਏ। खातून के मुताबिक मुलजिम की बीवी भी इस कत्ल में बराबर की शरीक है। क्या घर में रहने वाले ही घर के आंगन के फूल को मसलने की साजिश रचा रहे थे?
अब अगर हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे, एक छोटी 2 साल की बच्ची, उसके मर्डर की रीज़न क्या हो सकती है, और वो भी ऐसा शख्स जो कि रिश्ते में उसका नाना लगता है, वो उसको क्यों करेगा। तो जब हम इसके पस मंज़र में गए, थोड़ी सी हमने तफ्तीश की, तो पता चला कि ये जो कातिल है, इसके अपने बीवी बच्चे भी उसको छोड़ के जा चुके हैं। तो बेसिकली एक डेस्परेट किस्म का शख्स जिसकी अपनी फैमिली नहीं है, और वो किसी की फैमिली को, किसी के बच्चे को देख के भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। और वो एक जो छोटी बच्ची खेल रही थी, और जब हमने उससे पूछा कि तुमने क्यों मारा, वजह क्या थी इस बच्ची को, उसने कहा जी ये बच्ची शोर कर रही थी। चूँकि ये शोर कर रही थी और उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और इस वजह से उसने कत्ल कर दिया। बिल्कुल। और दूसरा, जहाँ तक छुरी का ताल्लुक है, आपको पता है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बाज़ार से लोग घर में किचन में यूज़ करने के लिए, इसके अलावा गोश्त वगैरह काटने के लिए घरों में खरीद के इस्तेमाल तो होती है। मुलजिम क्या बताता है कि घर में पड़ी हुई थी या ये बाजार से लेकर आया इस नियत? मुलजिम तो ये कहता है कि मेरे पास मौजूद थी, लेकिन हम इसके पीछे जा रहे हैं कि ये कहाँ से लेके आया, किस बंदे से लेके आया, उससे इसने जब खरीदी, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ इंशाल्लाह जल्द, एक दिन में, 2 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगी। पुलिस के मुताबिक अभी कई राज फाश होना बाकी हैं। छुरी मुलजिम ने कहां से हासिल की? क्या मुलजिम ने पहले से नन्नी दुआ को कत्ल करने का इरादा बना रखा था? हमारा जो असल मकसद है वो ये है कि हम इसको इतना मजबूत केस बनाएं कि जो है, जो गुनाहगार है, उसको उसकी सज़ा मिले, और जो जिन बेचारों के साथ ज्यादती हुई है, उनकी ज्यादती का आज़ाद। बिल्कुल ठीक। यकीनन पुलिस का काम ये है, और मुझे आई एम श्योर कि आप पूरी नीयत के साथ इसी तरह ही काम कर रहे हैं। तो ये एक जेलेसी फैक्टर भी था जी, ये हो सकता है। असल देखें, जो भी इस तरह का जुर्म होता है, अगर आप सोसाइटी में देखें तो उसके पीछे हसद का फैक्टर हमेशा बहुत सारी केसेस में सामने आता है। ठीक है, लोग अपने सगे भाइयों को मर्डर कर देते हैं सिर्फ हसद की वजह से, तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन ये एक शख्स ने जैसी ही हरकत की है, ये एक जुनूनी शख्स है, लेकिन असाबी तौर पर ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि ऐसी कोई बात नहीं कि इसको कोई साइकोलॉजिकल, इसका कोई मेडिकल तो नहीं सामने आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि इसे कोई ज़हनी मरीज़ करार देने के लिए कोशिशें शुरू हो जाएंगी, ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हमने इंटरोगेट की है और हमने देखा है, वो बिल्कुल अपनी सेंसेस में है, ऐसा उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। सिर्फ ये है कि वो एक शफाक किस्म का इंसान है जिसके अंदर एहसास नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है, और इसी वजह से उसने ये हरकत की है। हसद का फैक्टर नो डाउट हो सकता है, लेकिन ये अगर हम कहें कि उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना इस तरह का कोई मेडिकल उसने पेश किया है। आपने बहुत सारे केसेस किए हैं, माशाल्लाह आप बड़े सीजनड ऑफिसर हैं। ये बात समझ में नहीं आती या दिमाग मानने को तैयार नहीं होता कि सिर्फ शोर करने पर उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया और ज़िबा कर दिया एक छुरी से। बेशक इंटरोगेट हो, आप कह रहे हैं बाद में पता चलेगा छुरी उस वक्त लेकर आया या पहले लेकर आया, इसका मतलब ये, जिस अंदाज में कत्ल किया गया ना, तो उसका मतलब ये है कि उसने कोई ग्रज निकाला है जी, उसने कुछ बदला लिया है, या उसके दिल में वो नफरत की आग थी ना जाने कब से पल रही थी, तो वो मौके की किसी वजह से, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ शोर की वजह से उसने कत्ल किया। असल बात यही है कि जो एक इंसान जिसके अंदर ग्रज होता है, हसद होता है, तो वो हमेशा सॉफ्ट टारगेट को हिट करता है, क्योंकि ये इससे नज़र आता है कि ये अंदरूनी तौर पर कितना कमज़ोर आदमी है, और उसने एक मासूम बच्ची को अब जो है निशाना बनाया और उसका मर्डर कर दिया। तो ये फैक्टर नो डाउट, इसको हम खारिज ज़मकान नहीं रख सकते, लेकिन ये है कि अभी मज़ीद तफ्तीश जारी है, इसमें मज़ीद चीज़ें भी सामने आएंगी। पुलिस मुलजिम से तफ्तीश कर रही है, सच्चाई जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसी कौन सी वजह थी कि नन्नी शहजादी को मौत के घाट उतार दिया गया? मैं थोड़ा सा ज़रा हिस्ट्री में जाना चाह रहा हूँ। ये 8 साल पहले यहाँ पे आया, इससे पहले कहीं और रहता था। इसका एक बेटा है, इसके बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे, फोत हो जाते थे जी, ऐसे ही हैं। कितने बच्चे पैदा हुए, फोत हुए? 6-7 बच्चे इसके, 6-7 बच्चे इसी घर में भी हुआ। हाँ, इस घर में एक हुआ है, एक इस घर में, 2-3 उस घर में हुए हैं। अच्छा, 2-3 इस घर में हुए हैं, और पैदा होते थे फोत हो जाते, फोत हो इस वजह से ये कोई परेशान रहता था, क्या मामला था? नहीं, ऐसा कभी उस पर ये परेशानी तो देखी नहीं थी कभी, नॉर्मल था, नॉर्मल ही रहता था, ऐसा कोई इशू ना, कोई परेशानी नहीं उसके चेहरे पे, ना देखते थे ना होती थी। फिर इसकी बीवी एक और अपनी बहन का बच्चा लेकर आई थी, वो कब से लेकर आई थी?
दो महीने पहले वो लेके आई है। दो महीने पहले लेकर आई जी। उसने मतलब कुछ पैदा होती बच्ची ले ली थी, सवा महीना उसने इधर ही किया है। ठीक है। सवा महीने के बाद वो गई है, दो तीन दिन अपने मैके गई है, उसके बाद फिर आ गई है, फिर कोई 8-10 दिन रही है, तो फिर चली गई है वापस। वो ऐसे कोई मियाँ बीवी में आपस में, वो बाद में पता चला कि इनका कोई झगड़ा हुआ है, कि वो बच्ची सोती नहीं थी रात को, वो रोती रहती थी, तो उनकी नींद नहीं पूरी होती थी, तो वो इस जालिम इंसान की जावेद की नींद पूरी नहीं होती, नींद पूरी बच्ची के रोने की वजह से इस बात पे लड़ाई झगड़ा रहता था, इस बात पे लड़ाई झगड़ा रहता था उनका। तो वो उसको कहता है कि ये जो तू जहाँ से बच्ची लाई है इसको वापस कर दे। अच्छा। वो कहती है मैं बच्ची नहीं वापस करनी, तुम्हें छोड़ दूंगी। अच्छा। और छोड़ के चली गई, इसको छोड़ के चली गई। ये आपके वकुए से यानी दुआ को कत्ल करने से कितने दिन पहले कर गई? तीन चार दिन पहले गई। जब ये गई है तो आप लोगों से मिलकर गई, बताकर गई कि मैं जा रही हूँ? हमारा इनसे कोई ऐसा नहीं था, हम नहीं इनके मेंटर में, इनके फैमिली मेंटर में हम नहीं बोलते थे, इनके मसलों में हम ना आते थे ना बोलते थे ना ज्यादा, हमें कुछ कहते बताते थे तो हम कोई इनका कोई हेल्प करते थे, आना जाना नहीं था ज्यादा, मरण नहीं था। हम ऊपर से नीचे सीढ़ियाँ गुजरी, हम सीधा अपने अपने कमरों में चले जाते थे। लेकिन आपको ये पता चला कि ये छोड़ के चली गई यहाँ से? हाँ जी। उसके बाद अकेला रह रहा था? जब अकेला रह रहा था तो उसी ने बताया ना कि वो मुझे छोड़ के चली गई है। क्या हसद की वजह से जालिम शैतान ने नन्ही बच्ची को ज़बह कर दिया? क्या बच्चों से नफरत की वजह से बीवी ने शौहर का साथ छोड़ दिया था? तफ्तीश क्या किस स्टेज पे है, क्या स्टेटस है अभी? आपने रिमांड पे? अभी तो उसको रिमांड पे लिया हुआ है और उससे तफ्तीश हुई है, जिसमें आपको पता है आला कत्ल और ये दीगर चीज़ें सारी जो हैं वकूए की निशानदेही सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी जो मजीद जो थोड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको बताया उसकी बीवी, उसका बेटा, उसके अलावा दीगर जो मोहल्ले के आसपास के लोग हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं अभी हैं, इन प्रोसेस हैं और वो इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल। सरवा साहब आखिरी बात, अक्सर हमने देखा है बहुत सारे केसेस में नौइयत ज़ाहिर मुख्तलिफ होती है कत्ल की, जो रिश्तेदार होते हैं मुदई और मुलजिम आपस में रिश्तेदार लगते हैं, वो कल को ये केस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, सुलह पे बात ख़त्म हो जाती है, तो खुदा ना खास्ता इस केस में तो हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। नहीं, ऐसा कोई इम्कान हमारे सामने भी नहीं है, क्योंकि जो नाना है, जो बच्ची का हकीकी नाना है, वो मुदई है, और हमें ये नहीं लगता कि वो कल को किसी जगह पे जाके पैचअप कर लें या कोई ऐसी चीज़ कर लें, क्योंकि वो ख़ुद बहुत ज़्यादा गमगीन है और ये ऐसा शौक़ है जो जितना मर्ज़ी मजबूत आदमी हो उसको एक दफ़ा जो है वो हिला के रख देता है, तो ऐसा कोई खदशा अभी हमारे सामने नहीं आया। पुलिस के मुताबिक वरसा सफाक मुलजिम को सख्त सजा दिलवाना चाहते हैं। माने टीम मुजरिम कौन से की कौन सी फरियाद? और मुझे इंसाफ चाहिए, और मुझे ये इंसाफ चाहिए, और उस इंसान से पूछे उसको मेरी बेटी से या मेरे से क्या दुश्मनी थी, इसने ऐसा क्यों किया, मुझे इंसाफ चाहिए, उस इस हैवान से जाके पूछे उसको। मैं आपसे यही बात करने वाला था कि इसे कोई आपसे को मसला था, बेटी से इससे पहले को मसला था इसका, उसने कोई इजहार किया हो कि बेटी से वो तंग है, वो कुछ शोर करती है, क्या मामला था? अगर ऐसा था भी तो वो तो खुद उस दिन लेकर गया था। पता नहीं क्या मामला था, खुद ही लेके गया, पता नहीं उसका कब से ही इरादा था वो, कब का इतना बड़ा छुरा लेकर आया, और छुरा बकायदा देखा मैंने, हाय मैंने वो छुरा देखा। आपने तो एहसान किया हुआ था, आपने तो रहने के लिए जगह दी हुई थी ने, हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, उन्होंने हमारी सारी ख़त्म कर दी जिंदगी, उन्होंने हमारा मासूम नन्ना फरिश्ता मुझसे छीन के ले गए। रोती तड़पती माँ क्या करे, उसकी गोद उजड़ चुकी है, इससे ज्यादा बेबसी क्या होगी कि माँ को अपनी शहजादी के कत्ल की वजह भी मालूम नहीं। माँ जो अपने बच्चों के लिए जान छिड़कती है, वो अपनी बच्ची को बचा तक न सकी। इंसाफ तो इन्हें चाहिए, जाहिर है ये चाहेंगे कि ये फांसी के फंदे पर लटके, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ये डिमांड कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो ये है कि हमें बचा तो पता चल सके उन नन्ही बच्ची के साथ इसकी दुश्मनी क्या थी, अदावत क्या थी। फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि बीवी छोड़ के चली गई, अब घर में अकेला था जी, तन्हा था, फ्रस्ट्रेट हो गया जी, ज़ाहिर है परेशानी में रहता था, तन्हा रह रहा था, तो उसे कुछ समझ नहीं आई होगी, फ्रस्ट्रेशन वो कहीं तो निकालनी थी, लेकिन वो भी समझ नहीं लगती किसी इंसान पे और
किसी बड़े पे चला देता है, मेरे पे को गुस्सा था, मेरे पे चला देता, मेरे बच्चे दूसरे बड़े थे उन पे कुछ कर देता, नहीं किसी बच्ची से क्या तेरी दुश्मनी है, उससे क्या तेरा कोई तेरा, अगर तुझे कोई मसला है, तुझे कोई अगर तेरा कोई टेंशन है, तुझे बच्ची से क्या तेरी खार, बच्ची ने तुम्हें क्या तंग किया, बच्ची के साथ तेरी क्या दुश्मनी थी, तूने ऐसा क्यों किया बच्ची के साथ। बिल्कुल ठीक है। पुलिस अब क्या कहती है, पुलिस जो कर रही है आप उससे मुतमईन है, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तावुन कर रही है आपके साथ पुलिस? पुलिस का तो अभी तक मुझे कोई रीज़न भी नहीं मिला, मैं जा रहा हूँ, मुझे बुला रहे हैं रोज़, मैं जा रहा हूँ 3 दिन से, आज मैं अभी जा रहा हूँ, कर रहे हैं। वो कल आए हुए थे कुछ पुलिस वाले लोग, वो उसका जो नक्शा वगैरह उसका लीक के वो लेके गए हैं, तो अभी कह रहे हैं जी हम कर रहे हैं, आप टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं। आप आखिरी बात क्या समझते हैं कि अकेला यही इसमें मुलज़िम है या इसकी बीवी, इसका बच्चा इसमें मुलव्वस है? नहीं नहीं, अकेला यही मुलव्वस है, क्योंकि घर में यही था, घर में तो यही था, घर में ये घर में यही था तो यही। अब तो ये आगे बताएगा ना, ये बताएगा ना आगे कि अगर जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में इसको जो इसका रिमांड वगैरह लेते हैं जो भी करते हैं, अगर ये बताएगा कि इसके साथ कौन मुलव्वस है। पुलिस को तफ्तीश का दायरा कार वसी करना होगा, मुलजिम की बीवी को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। सच्चाई सामने आएगी और कातिल को सजा मिलेगी तो ही वरसा को इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगेबान।